हाय एवरीवन, मैं समन सिमरन। आज मैं दिवाली स्पेशल में आप सबके लिए लेकर आई हूँ बेसन के दानेदार लड्डू। ये लड्डू मैं बहुत ही सिंपल वेज में बता रही हूँ, लेकिन ये फुल रेसिपी होगी, तो आप इस रेसिपी को आगे तक देखते रहिए। और ये रेसिपी बिल्कुल हलवाई जैसे बनाते हैं वैसे ही बनकर तैयार होगी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास है 1 कप बेसन। यहाँ मैंने नॉर्मल बेसन लिया है, ना ही पतला ना ही मोटा, जो पैकेट में आता है वही वाला बेसन लिया है मैंने 1 कप। 1/2 कप यहाँ मेरे पास है चीनी, और यहाँ पे मेरे पास है 1/3 कप घी। आप यहाँ पे ऑयल का यूज़ ना करें, वरना आपके लड्डू बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ यहाँ मेरे पास है 50 ml पानी, 1 नींबू का स्लाइस, गार्निशिंग के लिए मेरे पास है यहाँ पे पिस्ता के कतरन और 1 छोटा चम्मच पानी। तो आइए चलते हैं रेसिपी के तरफ। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि यहाँ मैंने चीनी का पाउडर नहीं लिया है, तो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इसी रेसिपी में बूरा की रेसिपी, जिससे कि हमारे लड्डू बहुत ज़्यादा दानेदार बनेंगे। तो सबसे पहले हम पैन के फ्लेम को ऑन कर लेंगे, फ्लेम को मीडियम रखें। अब इसमें डाल दें चीनी और पानी। पानी का हम 1 चम्मच बचा लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लें, फ्लेम को लो ही रहने दें। आप चाहें तो बूरा को खरीद भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही ईजी सा स्टेप है, तो आप इसे बना सकते हैं। जब भी हम किसी भी चीनी का यूज़ करते हैं तो हमारे लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बनते हैं, उनमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। जब आप बूरा से बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत अच्छे बनकर तैयार। देखिए चीनी मेल्ट होने लगा है धीरे धीरे, इसे हमें अच्छे से मेल्ट करना है लगातार चलाते हुए। ये देखिए चीनी अच्छे से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल डिजॉल्व हो चुका है, और ये एक शुगर सिरप बनकर तैयार है। हमने जो पानी बचाया था 1 चम्मच, उसे डालने की अब ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे लो ही फ्लेम पे करीब 2 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने इसे करीब 2 मिनट के लिए और पका लिया है, और ये बहुत अच्छा सा झाग आ चुका है इसके ऊपर। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें इसे कैरमलाइज नहीं करना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, तब तक हम इसे पका लेंगे। ये देखिए बिल्कुल थिक सा शुगर सिरप बन चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसमें डाल दें नींबू का रस और इसे लगातार चला लें। लगातार चलाते हुए जब ये ठंडा होगा तो ये बूरा की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये देखिए झाग खत्म हो चुका है चलाते हुए, और इसमें थोड़े थोड़े दाने बनने लगे हैं, इसका मतलब बूरा बनने लगा है। तो हम इसे लगातार ठंडा होने तक चलाते रहेंगे। अगर हम इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएगी। देखिए अब ये बिल्कुल थिक होने लगा है। ये देखिए गाइस, लगातार चलाते हुए बूरा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल दाने हैं इसमें। तो आइए चलते हैं, अब हम बेसन को भून लेंगे। तो बेसन को भूनने के लिए सबसे पहले हम गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इस पर एक कढ़ाई रख दें, फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे घी और इसे अच्छे से मेल्ट होने दें लो फ्लेम पर। आप चाहें तो 1/2 छोटा चम्मच घी बचा भी सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बेसन में घी बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर कई बार सूख जाता है, तो हम उसे बाद में मिला सकते हैं। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी बेसन। मिक्स कर लेंगे हम इसे, फ्लेम को लो ही रहने दें, इस बात का सिर्फ आप ध्यान रखें, वरना बेसन जल्दी से भून कर जल जाएगा और इसमें अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। ये देखिए बेसन और घी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि इसमें से अच्छा सा खुशबू ना आ जाए, ये भून के एक अलग कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। इसे बनाने में टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो आप थोड़े से पेशेंस के साथ इसे बनाते रहिए। आप देख सकते हैं लकीली मेरा बेसन बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे दाने बन चुके हैं अभी से ही, तो आप सोच सकते हैं लड्डू भी बहुत अच्छा बनेगा। तो हमेशा एक अच्छे क्वालिटी का ही बेसन यूज़ करें बेसन के लड्डू बनाते वक्त। देखिए मैंने बेसन को और 10 मिनट के लिए भून लिया है, तो अब ये स्टेज आ चुका है कि जो हमने घी बचाया था उसे डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। घी को बीच में रखें ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए घी मेल्ट होने लगा है, तो अब इसे बेसन में मिला लें अच्छे से। लड्डू बनाते वक्त हमेशा 1 चम्मच घी को रख दें। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है बेसन में, तो हमें इसे और करीब 5 मिनट के लिए भूनना है ताकि घी और बेसन एक बार फिर अच्छे से भुन जाए। भूनते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे 1 सेकेंड के लिए भी ना छोड़ें, वरना बेसन जल जाएगा, क्योंकि बेसन हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप। ये देखिए बिल्कुल दानेदार लग रहा है। तो अब हम इस पर 1 छोटा चम्मच
पानी का छिड़काव कर देंगे इस तरीके से, और इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लें। इसमें और ज़्यादा अच्छे दाने आ जाएंगे इस प्रोसेस को करने से। इसका झाग ख़त्म हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, पानी डालने के बाद पूरा झाग ख़त्म हो चुका है, तो अब हम गैस ऑफ करके इसे निकाल लेंगे। एक स्टील की प्लेट ले लें, उसमें डाल दें इस बेसन को, और अब हम इसे लगातार चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। और हमें इसे तब तक ठंडा करना है जब तक कि हम इसमें हाथ नहीं लगा सकते, तब तक हम इसे ठंडा करेंगे। ध्यान रहे कि इसे हम पूरी तरीके से ठंडा नहीं करेंगे। अगर पूरे तरीके से ठंडा कर लेंगे तो बूरा मिलाने के बाद ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा और हमारे लड्डू नहीं बन पाएंगे। मैंने इसे 5 मिनट के लिए चला लिया है, अब हम इसे चेक कर लेंगे। नहीं, ये अभी भी काफ़ी गर्म है, तो और हम इसे 5 मिनट के लिए चला लेंगे। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा कि हम बेसन को पूरी तरीके से ठंडा नहीं करेंगे जब तक कि हाथ लगाने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता, तब तक हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आप बूरा को गर्मा गर्म बेसन में नहीं डालें। अगर आप गर्मा गर्म बेसन में डालेंगे तो वो बिल्कुल चाशनी की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और आपके लड्डू बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए, अब हमारा बेसन बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी बूरा। जितना बूरा हमने बनाया था उसका आधा हम इसमें डाल देंगे पहले, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल दानेदार है, और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बना है। आई एम श्योर आप इस रेसिपी को ज़रूर इस दिवाली ट्राई करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे। यहाँ मैंने हाफ मिलाया था, अब हम इसमें और 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बूरा और बेसन अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू को आप अपने पसंद का बना सकते हैं, चाहे तो बड़े शेप में या छोटे शेप में। इस तरीके से दबाते हुए इसे बना लें। बिल्कुल राउंड हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हम बाकियों को भी इसी तरीके से बना लेंगे। सारे लड्डू बन चुके हैं, तो अब मैं इसे गार्निश कर देती हूँ पिस्ता के कतरन से। तो बनकर तैयार है बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ, लेकिन पूरे स्टेप के साथ बेसन के दानेदार लड्डू। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बने हैं, और 1 कप बेसन में करीब 10 लड्डू बनकर तैयार हैं। ये बिल्कुल मीडियम साइज़ के हैं, जैसे हम मार्केट से लाते हैं बिल्कुल उसी साइज़ के हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, नीचे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।